हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी का जो लेवल 6 का और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ था वो एक अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे उनके साथ स्टार्ट हुआ था। यानी कि उसके अंदर जो है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और जो सवाल हैं वो काफ़ी लेंथी थे और जीके का जो लेवल था वो तो काफ़ी ही हाई था। तो कैंडिडेट का अब ये सवाल है कि जो बचे हुए लेवल हैं, लेवल 3, लेवल 4 का तो हो गया, लेवल 5, 2 और 3 लेवल का जो एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है उनका एग्ज़ाम जो है किस तरीके से आएगा, वो क्या एक्सपेक्टेड सवाल रह सकते हैं उसके अंदर, क्या एक्सपेक्टेड सवाल नहीं रह सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का जो रेशो रहेगा, रीजनिंग के जो कोडिंग के सवाल रहेंगे वो लेवल हाई रहेंगे या लो, उनका लेवल जो है काफ़ी लो हो जाएगा, और जीके का लेवल जो है वो हाई होगा और भी या फिर उतना ही लेवल रहेगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं और आपकी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो सके, अच्छी हो सके, उसके लिए मैं आपको कुछ एक दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना जो बचे हुए लेवल हैं अगर आप उनके अंदर क्वालिफाई हुए हैं तो उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। क्योंकि जो गलती मैंने की है लेवल 6 के अंदर, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था कि इतने सारे चीटिंग अरेंजमेंट आ जाएंगे या फिर इतने सारे उसके अंदर पजल आ जाएंगे और सवाल जो होंगे लेंथी होंगे और जीके का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। लेकिन अब जो मेरे बचे हुए लेवल्स हैं, लेवल्स 5 जो मेनली है उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है और जो गलती मैंने लेवल 6 में की है वो आप सब ना करें, उसको देखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप एकदम रिलैक्स चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, प्रिपरेशन जो है वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने एक टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कर रखा है, बहुत बार आपने उन जैसे सवालों को कर रखा है, तो आप इजीली अपनी स्पीड को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है आपकी स्पीड को मेंटेन करने का, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम के अंदर सवाल आए थे वो 30 से 40 सवाल जो पहले थे उनका लेवल काफ़ी इजी, मतलब नॉर्मल था। लेकिन 30-40 के बाद जो सवाल आने स्टार्ट हुए, सिटिंग अरेंजमेंट के ले लीजिए, पजल के ले लीजिए, सीआई के ले लीजिए या फिर और भी मैथ के सवाल ले लीजिए, तो उनका लेवल थोड़ा कैलकुलेटिव होता चला गया। तो जो कैंडिडेट एक मिनट में एक सवाल कर रहे थे उनके लिए बाद में जैसे उन्होंने 30 सवाल कर लिए थे 20 मिनट के अंदर, 50 सवाल कर लिए थे 40 मिनट के अंदर, तो बाकी के 70 सवालों को करने के लिए उनके पास जो टाइम है वो बहुत कम रह गया, जिसके कारण वो बाद में जो 120 के बाद एक या दो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट थे, पजल थे और एक दो मैथ के लेंथी सवाल थे वो उनके छूट गए। तो आप ये गलती ना कीजिएगा, पहले से ही आप स्पीड लेके चलिएगा और किसी भी सवाल में बिल्कुल भी आप अटकेगा मत। अगर आप अटक रहे हैं किसी भी सवाल में तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस समय वो आपका टाइम खा लेगा और बाद में जो बचे हुए सवाल हैं वो आप इजीली नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले से ही तेज लेके चलिएगा एग्ज़ाम को। अब बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं तेज कैसे लेके चलें। देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इजीली सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप इजीली सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप अटकेंगे और आप जाहिर सी बात है कि एक सवाल पर ज़्यादा टाइम देंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। अगर आपने प्रिपरेशन सभी कर ली है तो जिस भी टाइप के सवाल एनटीपीसी के लेवल 6 के अंदर, लेवल 4 के अंदर आए हैं, उन सभी सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कैलकुलेशन तो एग्ज़ाम के लिए अच्छी होनी ही चाहिए अगर मैथ रीजनिंग उसके अंदर है तो। दूसरा जो पॉइंट है आपका कि एग्ज़ाम जो है लेंथी आएगा, एग्ज़ाम जो है इसी प्रकार का आएगा जैसा लेवल 6 का है, लेंथी है, कैलकुलेटिव है, इसी टाइप का आपका एग्ज़ाम आने वाला है लेवल 5 का भी, लेवल 3 का भी और लेवल 2 का। और तीसरा पॉइंट जो है, आप
उन बच्चों के लिए है जो सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि उन कैंडिडेट के लिए है जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में थोड़ा सा वीक है। अब जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा जानते नहीं है, फिर भी उनको अगर 8 से 9 सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं तो 4 सिटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से करने होंगे पहले ही। आप अगर आप सारे सिटिंग अरेंजमेंट को बाद के लिए छोड़ देंगे तो आप जाहिर सी बात है कि 2 ही सिटिंग अरेंजमेंट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल है वो भी बैंक के लेवल का है, क्योंकि TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो बैंक के एग्ज़ाम TCS कंडक्ट कराता है, उसके अंदर वो सिटिंग अरेंजमेंट इनइक्वलिटी सिलोलिज्म के सवाल डालता है, वो भी अच्छे लेवल के। हाँ, NTPC में उतने अच्छे लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट पहली बार इतने ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए हैं NTPC के एग्ज़ाम में, तो ये कैंडिडेट्स के लिए एक शॉकिंग हो सकता है। जो चौथा पॉइंट है वो स्पीड है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप स्पीड निकाल देंगे, सवालों को अच्छे से जल्दी से कर लेंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है। अगर आपने मैथ के सवाल कर रखे हैं, रीजनिंग के सवाल कर रखे हैं बहुत ज़्यादा, आपको टॉपिक में एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि कैसे क्या होता है, तो आप इजीली बना देंगे, कोई ऐसी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ना ही रीजनिंग में और ना ही मैथ के अंदर। मैथ के अंदर आप 35 में से 33-34 आराम से कर सकते हैं अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो, क्योंकि आप अगर 30 सवालों को अच्छे से करते हैं तो 3 से 4 सवालों में हो सकता है आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाए, तो वो आप दे देंगे अगर आपने 30 सवालों को जो है 25 मिनट के अंदर कर लिया है तो। वही बात रीजनिंग की है, अगर आपसे कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल हैं अच्छे लेवल के दिए हुए थे लेवल 6 के अंदर, अगर आप नहीं बना पाते हैं कोडिंग डिकोडिंग को जल्दी से जल्दी, तो आप वहाँ से स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्योंकि अगर आप वहीं पर लगे रहेंगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा और बाद के सवाल आप छोड़ देंगे और आपका पेपर वहीं पे गड़बड़ा जाएगा। और 5th पॉइंट है आपका एक्यूरेसी। ज़्यादा सवाल करने के चक्कर में आप ना रहें, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे की जो GK होती है उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। आपको जो सवाल GK के अंदर आते हैं, करंट अफेयर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, GK आपने पढ़ी है थोड़ी पढ़ी है, आपको टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है तो आप तुक्के ना मारें, क्योंकि ऐसा भी ठीक नहीं है कि 120 सवाल में से आपने 120 कर तो दिए लेकिन आपके 50 सवाल जो है गलत हो गए, तो उसका भी जो है आपके एग्जाम पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बेकार इम्पैक्ट होगा, उससे आप नौकरी लेने से चूक सकते हैं, क्योंकि CBT 2 का एग्ज़ाम है, सभी कैंडिडेट जो है सिंसियर कैंडिडेट हैं और सभी कैंडिडेट जो है मेहनत कर रहे हैं CBT 2 के लिए, तो आप एक एक नंबर से अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं और अपनी सिली मिस्टेक्स के कारण आप नीचे आते चले जाएंगे और आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लेवल 5 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 2 के लिए आप याद रखिएगा जरूर से जरूर। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 90+ आपकी एक्यूरेसी है, तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे फाइनल लिस्ट के अंदर। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो भले ही आप 120 सवाल करिए या 100 सवाल करिए, आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे ने जो एग्ज़ाम है वो इसी तरीके से सेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनका माइंड टेस्ट हो, वो कितनी एक्यूरेसी या कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो सब देखा जाएगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि GK जो है वो 50 के अंदर से 10-15 सवाल जो हैं वो ही आपको पता होंगे उनके बारे में या आपने कहीं सुना होगा, बाकी 30 सवाल ऐसे होंगे जो आपने देखे तो होंगे लेकिन आपको डाउट होगा, तो इस तरीके से GK के सवाल आए थे। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे बता दिए एग्ज़ाम कैसा था और कैसा आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।